तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया था कि वन ब्लॉक कैसे डाउनलोड करें इंग्लिश वर्जन में, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज़ जाके देख लेना और चेकआउट ज़रूर कर लेना। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है एपिसोड वन ऑफ माइनक्राफ्ट सीरीज़, जो कि मैंने अभी अभी शुरू किया है। उसका फर्स्ट एपिसोड आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि मैंने अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है। अब बस वर्ल्ड को ओपन होना हो रहा है मेरा वर्ल्ड। आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे कि मैंने सर्वाइवल का वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है। तो आप देखो, मुझे एक जंगल में छोड़ा गया है। तो अब मैं यहाँ पे अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करूँगी, क्योंकि सबसे मेन होता है सर्वाइवल में, उसका नेम ही है सर्वाइवल, तो इसलिए इसमें सबसे मेन होता है कि आप सर्वाइव कर पाओ। तो फर्स्ट डे पे अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको सिंपली रात होने से पहले आपको एक घर बनाना होगा जिसके अंदर आप सेफली रह पाओ। तो सबसे मेन तो वही होता है, नहीं तो अगर रात हो गई एक बार गाइस तो आपका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप अगर रात तक में अगर घर आपने नहीं बनाया, एक सेफ एरिया नहीं ढूंढा, तो आप रात तो अगर हो गई तो क्रीपर और जॉम्बीज स्पॉन होकर आपको मार देंगे। तो आपका कोई गेम खेलने का, आपके पास जो भी रिसोर्स बचा होगा वो भी चला जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा गाइस, आपको उतने घंटों की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो मैंने सिंपली यहाँ पर कुछ वुड्स इकट्ठा कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ एक एरिया ढूँढने जहाँ पर मैं घर को बनाऊँगी और रिसोर्स को इकट्ठा करूँगी। तो मुझे वो एरिया मिल गया है, देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ थोड़ा सा प्लेन सरफेस है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्राफ्ट करके प्लैंक बना लिया है वुड का, और एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लिया, क्योंकि सबसे मेन क्राफ्टिंग टेबल है, उससे मैं स्टिक्स वगैरह और एक वुड की पिकैक्स बना ली है मैंने, और एक्स पिकैक्स सारी मैंने यहाँ पे भी क्राफ्ट कर लिए, क्योंकि मेन है, उससे ही हम अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर पाएंगे बहुत ही ईजिली और जल्दी जल्दी। तो मैं यहाँ पे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रही हूँ, तो आप आगे वीडियोज़ को इंजॉय करें। मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के अंत में, तो आप वीडियो को इंजॉय करें गाइस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मिलती हूँ आपसे वीडियो के एंड में, तो मैं वापस आ गई हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कुछ रिसोर्सेज और वुड्स इकट्ठे कर लिए हैं, जैसे कि मैं अभी घर को क्राफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि इस घर को बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट डे पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप लोगों ने भी अगर माइनक्राफ्ट को खेला है तो आप लोगों को भी पता होगा कि वुड और फर्स्ट डे पे सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है। तो फर्स्ट डे पे अगर आप सर्वाइव नहीं करोगे, अगर एक बार रात हो गई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, फिर क्रीवर्स जॉम्बीज स्पॉन होके आपको मार देंगे, आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज होंगी वो चली जाएंगी, तो आपका कोई वर्थ नहीं होगा, आपको खेलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा गाइस, कोई फ़ायदा नहीं होगा, वर्थ नहीं होगी आपकी खेलने की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको रिसोर्सेज इकट्ठा करना फर्स्ट डे पे, को जितना रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकते हो रिसोर्सेज इकट्ठा करो, उसके बाद घर को क्राफ्ट करो ताकि आप नाइट में सर्वाइव कर पाओ अच्छे से। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर घर बना रहे हो तो आप एक, अगर आप घर नहीं बना सकते हो तो आपको एक विलेज को ढूंढना होगा जिसपे आप फर्स्ट डे को सर्वाइव कर पाओगे, लेकिन विलेज को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है,
वो आपको जल्दी सर्वाइवल में नहीं मिलती है। जब तक आप विलेज को ढूंढोगे तब तक रात हो जाएगी और फिर तो आपको पता ही है क्या होगा। तो इसीलिए आपको पहले आपको रिसोर्सेज इकट्ठा करने होंगे फर्स्ट डे पे। अगर फर्स्ट डे पे ही अगर आपने आराम से ऑफलाइन में वर्क करके घर को बना दिया अपना मेन सर्वाइविंग की जो नीड होती है कि बेड एंड क्राफ्टिंग टेबल, कुछ वुड्स के कुछ एक्स पिकैक्स और इस तरह के कुछ थोड़े थोड़े से चीज़ें जो कि थोड़ा सा खाना अगर आप इकट्ठा कर लो फर्स्ट डे पे, तो फिर आप आराम से फिर सेकेंड थर्ड डे ऐसे आराम से आप निकाल सकते हो। और फिर आप अपने आराम से जब आपको पास हथियारें आ जाएंगी उसके बाद आप आराम से आप रिसोर्सेज ढूंढ पाओगे, माइनिंग कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। तो फर्स्ट डे पे ही मेन सर्वाइविंग होता है, तो इसीलिए फर्स्ट डे पे मेन चैलेंज होता है गाइस। तो मैंने यहाँ पे वुड्स मेरा यहाँ पे लॉल हो गया था, मेरा यहाँ पे मैंने मेरी रिसोर्स ख़त्म हो गई, मेरी वुड ख़त्म हो गई, तो मैं यहाँ पे अभी फिर से वुड लेने के लिए जा रही हूँ। गाइस सॉरी अगर आप लोगों को बोर लग रहा होगा वीडियो में, तो फर्स्ट डे पे ही आपको थोड़ा सा बोर लगेगा वीडियो, लेकिन सेकेंड और थर्ड एपिसोड जो आएगा इसका गाइस उसमें आपको बहुत ही इंजॉयमेंट होगी, बहुत ही मज़े आएंगे, क्योंकि उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत सारी चीज़ें कैसे बनाने, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप मैं उनमें बना के दिखाऊंगा उन एपिसोड में। तो अगर आपने आप उस वीडियो को वह सबसे पहले देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे ही मैं अपने सेकेंड एपिसोड इस चैनल पे अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो यहाँ पर मैंने वुड्स को इकट्ठा कर लिया है, उसको ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं फ़ाइनल टच देने वाले हूँ, यहाँ पे मैंने वुड्स को लगा दिया है जिससे कि मेरा घर तैयार हो जाएगा थोड़ी ही देर में। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताना कि जब आपने अपनी माइनक्राफ्ट को इंस्टॉल किया था तो आपने जब फर्स्ट डे पे आप खेल रहे थे तो आपको कितना समझ आया था इस गेम के बारे में और कैसा लगा था आपको ये गेम, क्योंकि ये बहुत ही पुराना गेम है और इसका क्रेज़ अभी तक चलता आ रहा है। तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि फ़र्स्ट डे पर आपने कैसे सर्वाइव किया था और आपको ये गेम कैसा लगता है। तो आप कमेंट करके प्लीज़ प्लीज़ बता देना गाइस। तो मेरा यहाँ फाइनल टच पर बस अब हम गेट के एरिया को यहाँ पे करेंगे कन्वर्ट, लेकिन फिर से मेरी वुड ख़त्म हो गई थी तो मैं यहाँ पे फाइनली कुछ और वुड्स को तोड़ रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ। मेन मैंने बोला ना गाइस फर्स्ट डे पे बहुत ही मतलब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत ही बोर लगता है। तो यहाँ पे मैंने वुड्स को इकट्ठा कर लिए हैं, अब मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर जाके इसे प्लैंक में कन्वर्ट कर दूँगी और मुझे 20 प्लैंक मिल चुके हैं वुड के। अब मैं यहाँ पर अपने फाइनल गेट का एरिया को मैं यहाँ क्राफ्ट कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे नीचे मैं ये दोनों वुड को प्लैंक को तोड़ देती हूँ ताकि यहाँ पे हमारा गेट डोर आएगा गाइस यहाँ पे मेरा। तो यहाँ ऊपर वाले एरिया को ढक देते हैं, मैंने यहाँ एक दो ब्लॉक लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं एक डोर को क्राफ्ट करूँगी, तो आपको इस तरह सिंपली वुड को रख देना है, वुड के प्लैंक को आपको एक डोर मिल जाएगा और यहाँ पर डोर लगा देना। बस यही था हमारा आज का एपिसोड। मैंने यहाँ पे सर्वाइविंग के लिए ऐसे एक घर और बेड बना लिया है जिससे हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे ट्यून रहिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच।